प्रदेश में सर्वाधिक यानी महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक एक्टिव केस होंगे, क्योंकि आबादी सबसे बड़ी है। जितनी उत्तर प्रदेश की आबादी है उतना देश के अंदर अगर आप देखेंगे तो 22 राज्य आते हैं तब उतनी बड़ी आबादी होती है। उस सब के बावजूद आपने देखा होगा ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है, और यूपी के अंदर वही लोग इस क्राइसिस को करने का प्रयास कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे एक अभी मित्र ने कहा भी कि पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो लोग किसी और ये चीजें कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको फिर इस बात को कह सकता हूं, एक तो मैंने आपके सामने 3 दिनों के प्रदेश के अंदर कोविड के जो पेशेंट है 38,000 से आज हम 33,000 पे आए हैं, यानी ये लगातार लगभग 5,000 कोविड पॉजिटिव केसेस प्रदेश के अंदर पिछले 3 दिन के अंदर कम हुए हैं। लखनऊ के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रतिदिन जितने कोविड पॉजिटिव केस हैं एक उनकी संख्या में लगातार गिरावट आई है, 5,500 से लेकर के आज 4,500 तक पहुंची है। और रिकवरी अगर आप देखेंगे तो जितने पॉजिटिव केस आ रहे हैं उससे ज्यादा रिकवरी का रेट लखनऊ में है। देखिए ये चीजें मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो ये कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। ये कृत्रिम अभाव दिखाने का कुछ लोगों के द्वारा प्रयास और उसके माध्यम से अफवाह पैदा करके एक भगदड़ की स्थिति, क्योंकि जिन लोगों को प्रदेश में अव्यवस्था अराजकता पैदा करने का अवसर नहीं मिला, ये आपदा का काल है। हमने सर्वदलीय बैठक भी करके सब लोगों से इस बारे में अपील की थी कि भाई सभी लोग मिल करके इसमें एक एक व्यक्ति का जीवन हमारे लिए महत्वपूर्ण, ये राजनीति का समय नहीं। अगर सरकार गलत कर रही है आप सरकार पर प्रहार करिए, लेकिन किसी व्यक्ति के जीवन के साथ खिलवाड़ मत करिए। लेकिन आप तब भी बयानबाजी देख रहे होंगे, जो लोग एक एक डेढ़ साल से यूपी में नहीं आए हैं वे लोग बयानबाजी कर रहे हैं, वे लोग भी बोल रहे हैं